नमस्कार, मेरा नाम है निदेशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। फ्यूजन पे हम पहुंच चुके हैं, तो फ्यूजन से पहले तक हमने एडिटिंग पूरी देख लिया, कलर ग्रेडिंग पूरी देख लिया। कई लोगों के लिए तो इतना भी इनफ होगा जिनको भी एफएक्स में नहीं जाना है बिल्कुल भी, और आप ऑलरेडी डाविंची रिजॉल्व के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं, अब आप कॉन्फिडेंट भी होंगे सॉफ्टवेयर को लेकर के। जिनको आगे और डिटेल में जाना है कि वीएफएक्स वगैरह कंपोजिटिंग अगर हमने यहीं पे करनी हो, आफ्टर इफेक्ट्स में ना जाना हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सीखने के लिए अब इस क्लास से हम फ्यूजन शुरू करेंगे। आज और नेक्स्ट सेशन में भी हम एक बार और डिस्कस करेंगे फ्यूजन के बारे में। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए चलते हैं डाविंची रिजॉल्व में। तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निदेशक राव पे जाके मेरा इंस्टा पेज ऐसे फॉलो कीजिए, यहाँ पे पोस्ट डालता हूँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कॉल मत कीजिएगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। और अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं जब भी उसको देखूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा डेफिनेटली। ट्विटर के ऊपर भी /निदेशक राव पे जाकर के मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको आप फॉलो कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं आती है नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है। यूट्यूब पर /निदेशक राव पे जाकर के यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर सारी स्टॉक फुटेज डली हुई हैं, इस सीरीज़ में यूज़ हुई हैं वो भी डली हैं, तो डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें उनके ऊपर। और फाइनली फेसबुक पर भी /निदेशक राव पे जाके फेसबुक पेज को लाइक करें। अब चलते हैं डाविंची रिजॉल्व में। तो कलर ग्रेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम फ्यूजन शुरू करेंगे। दो क्लासेस में फ्यूजन के ऊपर लूँगा, जिसमें आपको सारा बेसिक में फ्यूजन का बता दूंगा। उसके बाद अगर आपको एडवांस क्लासेस चाहिए होंगी और भी, तो फर्दर वो मैं अलग सीरीज़ ला सकता हूँ या स्टैंड अलोन ट्यूटोरियल्स आगे ले आऊँगा। तो पहली चीज़ ये कि फ्यूजन से काफ़ी लोग थोड़ा डरते हैं, कई लोगों ने ट्राई किया होगा और वो नोड स्ट्रक्चर से डरते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपने नोड स्ट्रक्चर जो है वो कलर ग्रेडिंग के उसमें देख लिया है कलर पेज के ऊपर, तो आप थोड़ा नोड से फेमिलियर हैं। बाकी जैसे ये सीन है हमारे पास, अभी मैंने फ्यूजन खोला हुआ है, तो इस सीन के अंदर ये एक पीछे टेबल टॉप है, उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर एक होल है, उसके ऊपर एक सिंपल पेपर है और उसके ऊपर एक पेन रखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है बनाने के लिए, ये नीचे हमारा नोट स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं जो, तो अब ये देख के हो जाती है टेंशन कि ये क्या इतने सारे डब्बे डब्बे बने हुए हैं और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतनी सी चीज़ बनाने के लिए इतना कुछ क्यों करना पड़ा है, राइट। तो ये आज आपकी कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल डिलीट कर देते हैं जय। तो ये हमारा फ्यूजन पेज है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं फ्यूजन यहाँ पर सिलेक्टेड है। फ्यूजन पेज पे आपका दो विंडो यहाँ पर हैं, एक ही आपका वर्क एरिया है, ठीक है, एक इंस्पेक्टर विंडो है। तो सिंपली वही चीज़ है जो बाकी जगहों पर भी है, बट इसमें जो दो मॉनिटर हैं उनका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे हम चलते हैं एडिट पेज में, अब यहाँ पर दो विंडोज़ रहती हैं, तो एक तो लेफ्ट वाली में आप सोर्स क्लिप को देख सकते हैं, राइट, और जो राइट वाली उसमें आपको टाइमलाइन नज़र आती है। तो टाइमलाइन में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए मैं ड्रैग कर देता हूँ ये टेबल की फुटेज, तो टाइमलाइन के अंदर हमारी ये फुटेज नज़र आ रही है। तो ये दो हमारे विंडोज़ जो हैं इस तरह काम करते हैं, जो दोनों व्यूवर्स हैं। लेकिन फ्यूजन पेज के अंदर ये व्यूवर इस तरह काम नहीं करते, उसमें मैं बताऊँगा आपको भी कि उसमें क्या डिफरेंस है इससे। बट उससे पहले हम समझते हैं कि फ्यूजन क्लिप हमको बनानी कैसे है। अब आपके पास दो तीन तरीके हैं, तो उसके लिए चलते हैं फ्यूजन पेज में। अगेन यहाँ पर वही दो विंडोज़ हैं, बट ये काम कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी क्लिप कैसे लेके आनी है, जैसे बाकी पेजेस में है वैसे यहाँ पर भी मीडिया पूल है, इस पे आप जाएंगे तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। तो इस मीडिया पूल से मैं कोई भी फुटेज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। ड्रैग ड्रॉप किया मैंने इसको, जैसे ड्रैग ड्रॉप किया तो एक ये बना हुआ आ गया मीडिया वन, मीडिया इन वन और एक ये मीडिया आउट, ये दो नोड्स बने हुए आ गए, राइट। तो बेसिकली ये जो नोड है मीडिया इन वन, ये बेसिकली ये वुड वाली जो इमेज है ये है, और मीडिया आउट क्या है जो बेसिकली फाइनल आउटपुट आपकी निकलने वाली है। सिंपली मैं न्यूज़पेपर की इमेज को भी यहाँ ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, तो देख रहे हैं मीडिया इन टू लिखा हुआ आ गया। तो कोई भी मीडिया आप अंदर लेकर के आएंगे वो मीडिया इन वन टू थ्री इस तरह से आता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये इनपुट है इसलिए यहाँ पर इन लिखा हुआ है, और जो इनके ऊपर हम काम करेंगे उसके बाद जो आउटपुट निकलेगी वो मीडिया आउट है। आपने नोटिस किया कि पहले वाले पे तो ये कनेक्टेड था, सेकंड वाले पे कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो ये होगा भी नहीं, क्योंकि जो मीडिया आउट है उसमें एक टाइम पर एक ही आउटपुट जाएगी, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ मान लीजिए, और इसको यहाँ से यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, तो देख रहे हैं जो मेरी आउटपुट विंडो है उसके अंदर न्यूज़पेपर आ गया, ठीक है। अगर मैं ये लगाता हूँ वापस से तो यहाँ पर वुड आ गया। तो जो भी इमेज मेरी कनेक्टेड होगी मीडिया आउट से वो बेसिकली मेरी फाइनल आउटपुट में नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये विंडो आउटपुट के लिए है। अब जो फर्स्ट विंडो है उसके अंदर क्या, आप अपनी ये इमेज पे डबल क्लिक मैं करता हूँ तो यहाँ पर वो नहीं आई, जैसा कि आपको लग रहा होगा सोर्स विंडो के अंदर आ जानी चाहिए, तो वैसा नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये सोर्स विंडो नहीं है इस केस में। बेसिकली हमारे पास दो व्यूवर्स हैं इस केस में, ठीक है। तो आप किसी भी व्यूवर में कोई भी चीज़ देख सकते हैं। मान लीजिए ये मैं मीडिया वन पे आया तो यहाँ देख रहे हैं दो पॉइंट्स बने हुए आ जाते हैं नीचे। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट के अंदर ये मुझे नज़र आने लग गया, ठीक है। अगर मैं मीडिया इन टू पे आता हूँ जो बेसिकली मेरी न्यूज़पेपर की इमेज थी, और वहाँ पे आकर के फर्स्ट वाले डॉट पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर नज़र आ जाएगी,
राइट। और मीडिया आउट को अगर मैं हटा देता हूँ ऐसे, तो मीडिया आउट खाली हो गया बेसिकली, इसमें अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, राइट। अब इस व्यूअर के अंदर यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी टू सिलेक्टेड, सेकंड पॉइंट के ऊपर क्लिक था ये। अगर मैं मीडिया इन वन पे आता हूँ और यहाँ पर जो है सेकंड डॉट को सिलेक्ट करता हूँ, तो इधर वो नज़र आने लग गई। अब आपके थोड़ी सी शायद कन्फ्यूजन होगी, मैं क्लियर कर देता हूँ। हर एक फुटेज के ऊपर, हर एक बेसिकली नोड के ऊपर, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो आउटपुट नोड हो, ठीक है, उन सब के नीचे आपको ये दो डॉट्स मिलेंगे। ये दो डॉट्स का मतलब है लेफ्ट डॉट इज़ फॉर लेफ्ट स्क्रीन और राइट डॉट इज़ फॉर राइट स्क्रीन। जिस भी डॉट, जिस भी आप क्लिप पे जा करके लेफ्ट डॉट सेलेक्ट करेंगे, तो वो इधर नज़र आने लग जाएगा। इस केस में कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मीडिया आउटपुट के अंदर कुछ आउटपुट आ ही नहीं रही है, राइट। और अगर मैं इसको राइट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी काला हो जाएगा, बिकॉज मीडिया आउटपुट के अंदर कोई आउटपुट आ नहीं रही है और दोनों डॉट यहाँ पर हाईलाइटेड है, ठीक है, कि दोनों विंडो के अंदर मीडिया आउटपुट नज़र आना चाहिए। जैसे ही मैं मीडिया इन से यहाँ पर कुछ कनेक्शन बनाता हूँ, तो ये मीडिया आउटपुट जो है दोनों के अंदर नज़र आ रही है, राइट। अगर सिंपली मैं जाकर के इस पे, मान लीजिए इसको मुझे राइट विंडो में लेके आना है, मेरी जो टेबल की इमेज थी, तो राइट वाले पे क्लिक करूँगा डॉट पे, और इसको अगर मुझे लेफ्ट पे लाना है न्यूज़पेपर वाले को, तो इस पे लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, राइट। तो ये सिंपली इस तरह से आप व्यूअर, किसी भी व्यूअर में कोई भी चीज़ को आप व्यू कर सकते हैं। तो बड़ा हैंडी ऑप्शन है ये, इसके बड़े फ़ायदे हैं, आपको आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। और इसको करने का एक शॉर्टकट भी है। मान लीजिए मैं इसके ऊपर हूँ अपनी टेबल टॉप वाली इमेज में, अभी मैं सेकंड स्क्रीन के ऊपर से देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ ये फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए, तो मैं सिर्फ कीबोर्ड पे वन प्रेस करूँगा, तो कीबोर्ड पे वन प्रेस करने से जो है मैं फर्स्ट व्यूअर के अंदर ही देख पा रहा हूँ। और मान लीजिए न्यूज़पेपर वाली को मुझे सेकंड पे देखना है, तो मैं कीबोर्ड पे टू प्रेस करूँगा। आप देखना कि यहाँ से जैसे डॉट लगा ना टू पे, ये हट करके ऊपर आ जाएगा। मैं टू प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए सेकंड पे नज़र आने लगी, डॉट इधर आ गया हाईलाइटेड सेकंड के ऊपर। तो वन और टू से आप जो है व्यूअर सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया आउटपुट को अगर मुझे फर्स्ट में देखना है, तो वन प्रेस करूँगा, सेकंड में देखना है तो टू प्रेस करूँगा, सिंपल। तो ये आपको व्यूअर क्लियर हो गया कैसे काम करता है। और नोट्स में सिंपली कोई भी यहाँ से को ड्रैग करेंगे आप क्लिक करके और कनेक्शन पे डालेंगे, तो इस तरह से नोट्स कनेक्ट हो जाएंगी। अब नोट्स काम कैसे करती हैं, बेसिकली मीडिया इन ये हमारी जो है रॉ इनपुट आई, और इसके ऊपर जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया असेंबली लाइन का, कि एक गाड़ी की चेसी आई, उसके ऊपर आगे व्हील्स लगे, मान लीजिए कोई नोड यहाँ पर आते हैं, उसके आगे कोई और काम हुआ, उसके ऊपर पेंट हुआ, तो अलग अलग नोड्स जब बनते जाएंगे, फाइनली जो आउटपुट निकलेगी बाद में वो आपकी मीडिया आउट होगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इस चीज़ के बारे में। इस मीडिया इन टू को फिलहाल के लिए आप साइड पर रख दीजिए, भूल जाइए, या फिर इसको भी हम फिलहाल डिलीट ही कर देते हैं। सिंपली मैं आपको थोड़ा नोट स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। ऊपर कुछ नोट्स पड़ी हुई यहाँ पर, मैं अभी बाहर क्लिक किया हुआ है, कोई चीज़ सिलेक्टेड नहीं है, और एक कलर करेक्टर नोड है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये कलर करेक्टर इस तरह से बन के आ गया, राइट। और मीडिया आउट जो है उसके अंदर ऑब्वियसली हमारा ये टेबल नॉर्मली नज़र आ रहा है। अगर मैं अभी यहाँ से इसको हटा करके नोड को यहाँ कलर करेक्टर में जोड़ देता हूँ, ठीक है, और फिर कलर करेक्टर के आउटपुट को मीडिया आउट में जोड़ता हूँ, देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल, क्योंकि कलर करेक्टर पे भी काम नहीं हुआ है। अब इस नोड पे मैं आता हूँ करेक्शन वाली पे, तो आप यहाँ इंस्पेक्टर विंडो में देख सकते हैं कि इसकी सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ह्यू चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए इसे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ग्रीन किया, अब ये दोनों के अंदर जो है ग्रीन नज़र आ रहा है, बिकॉज मीडिया आउटपुट ही दोनों में सिलेक्टेड है। अगर मैं फर्स्ट मीडिया इन को पकड़ करके वन प्रेस करता हूँ, तो फर्स्ट विंडो में मेरी ये वीडियो नज़र आएगी और सेकंड विंडो में मेरा मीडिया आउटपुट नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इस टाइम फर्स्ट व्यूअर में यहाँ पर सिलेक्टेड है, वन से फर्स्ट डॉट क्लिक है तो मीडिया इन नज़र आ रहा है, सेकंड व्यूअर के अंदर ग्रीन वाला जो है ये सिलेक्टेड है, मीडिया आउट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कलर करेक्टर नोड सेंटर में है मेरी, इसको भी मैं अलग से देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, इसको सेकंड में डालूंगा तो इसकी आउटपुट नज़र आएगी। तो बेसिकली वो और मीडिया आउट दोनों सेम ही दिखाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि इसके बाद में आगे कुछ और नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कलर करेक्शन कर लिया, मान लीजिए इसके बाद जो है यहाँ पर ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, तो मैं एक यहाँ पर और नोड ले आता हूँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की, और इसको भी यहाँ पर बीच में डाल देता हूँ और यहाँ से इधर। तो अब नेक्स्ट लेवल मेरा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर सिमिलरली इसके वो आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो में। तो मैं यहाँ से गेन बढ़ा देता हूँ जस्ट फॉर, थोड़ा कम कर देता हूँ, मान लीजिए डार्क कर देता हूँ। तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ने ये किया, इसलिए मीडिया आउटपुट हमारा ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को मैं टू पे यहाँ पर अगर टू प्रेस करता हूँ, तो सेम चीज़ नज़र आएगी, बिकॉज इस ये फाइनल आउटपुट यहाँ तक है, इसके आगे कुछ नहीं है। बट इस टाइम पे अगर मैं कलर करेक्टर पे आकर के टू प्रेस करता हूँ, देख रहे हैं वो थोड़ा ब्राइट हो गया, रीज़न बिंग वो कलर करेक्टर तक जो काम हुआ है वो चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो जिस नोड पे क्लिक करके आप जिस व्यूअर के अंदर उसे डालेंगे, वहीं तक की आपको आउटपुट नज़र आएगी। तो ये सीक्वेंशियल चीज़ है। नॉर्मली हम जब काम करते हैं प्रीमियर प्रो में या आफ्टर इफेक्ट्स में, इन सब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, नोड बेस्ड नहीं होते, ये टाइमलाइन बेस्ड हैं, लेयर बेस्ड हैं।
तो इसमें आमतौर पर आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर, ऐसे ऊपर नीचे रख के काम करते हैं, ठीक है। और यहीं पर आपकी टाइमलाइन होती है। नोड्स के केस में क्या है कि ये आपका जो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो चार्ट की तरह चलता है ये, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बस। इसको समझना थोड़ा सा शुरू में अगर आपको आदत नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट डेफिनेटली अगर आप इसको टाइम देंगे तो ये ज़्यादा लॉजिकल तरीके काम करने का, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। नोड्स जो है वो ज़्यादा कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है अपने वर्क फ्लो के अंदर, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बेसिक एक दो नोट्स लगा के बताई हैं, इन दोनों को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल मैंने क्या किया था कि यहाँ पर नोट जो है उसको उठा करके यहाँ पर लाया और मैंने कनेक्शन बनाया। इसकी बजाय मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, अगर मुझे सीधा मैं मीडिया वन को सिलेक्ट करता हूँ और करेक्टर के नोड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करते हैं नोड को तो ये बाहर आ जाएगी इससे, और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर ड्रॉप करते हैं तो इसके अंदर जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली नोड्स को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी नोड को बीच में से निकालना हो शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग आउट कर दें, और वापस किसी उसके अंदर डालना हो तो शिफ्ट प्रेस करके उसके ऊपर ड्रॉप कर दें, इस तरह से वो सिंपली कनेक्ट भी हो जाएगी। दूसरा तरीका जो मैंने आपको एक ये बताया कि डायरेक्टली नोड कनेक्शन में लानी है तो आप पहले से मीडिया सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप नोड पर क्लिक करें जो भी आपको लगानी है और यहाँ पर वो नोड बन करके आ जाएगी, राइट। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर मैंने दिया। उसके अलावा अब मान लीजिए इस टेबल के ऊपर मुझे जो है न्यूज़पेपर रखना है, तो मैं न्यूज़पेपर को यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब मुझे इसको इसके ऊपर प्लेस करना है बेसिकली एज ए लेयर, तो उसके लिए हमें चाहिए एक मर्ज नोड ताकि ये दो को हम मर्ज कर सकें। तो किसी भी मीडिया को अगर आपने किसी और मीडिया के ऊपर प्लेस करना है तो उसके लिए ये मर्ज नोड होती है आपके फ्यूजन के अंदर। तो मर्ज नोड कहाँ पर है, यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो ये मर्ज नोड यहाँ पर बनी हुई है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मर्ज नोड यहाँ पर आ गई, राइट। अब मैं इस मर्ज नोड को यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इधर डालता हूँ और ये जो मीडिया टू था इसको मर्ज नोड के अंदर मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो देख रहे हैं कि ये इसमें इसके ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दो इनपुट हैं, देख रहे हैं, एक येलो और एक ये ग्रीन, ठीक है। तो मैं ग्रीन के ऊपर माउस लेके आऊँ तो लिखा रहा है मर्ज वन फोरग्राउंड, और येलो पर लेकर आ रहा हूँ तो लिखा हुआ है मर्ज वन बैकग्राउंड, ठीक है। मर्ज वन इस नोड का नाम है, तो फोरग्राउंड के लिए ग्रीन लेयर ग्रीन कनेक्शन है और बैकग्राउंड के लिए येलो कनेक्शन है। अगर मैं इन कनेक्शन को तोड़ देता हूँ मान लीजिए, और ये ऊपर वाले को मैं यहाँ पे येलो में कनेक्ट कर देता हूँ, और देखिए ये येलो ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब ये येलो कनेक्शन ऊपर चला गया और यहाँ पर मैं ग्रीन वाले के अंदर मीडिया इन वन से इसको डालता हूँ, तो देख रहे हैं क्या हुआ, बेसिकली टेबल की लेयर ऊपर आ गई है और न्यूज़पेपर की लेयर नीचे चली गई है। अब वो दिख नहीं रहा ऐसा आपको क्लियरली, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की लेयर है वो छोटी है तो इसके नीचे छुप गई है। तो मैं ऊपर वाली लेयर को स्केल करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन नोड्स को मैं इधर ले आता हूँ। एक यहाँ पर जो है मेरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म की नोड है, एक मैं खाली ट्रांसफॉर्म की नोड लेके आता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ बीच में डाल देता हूँ मीडिया इन वन के बाद। और यहाँ पर जो है मेरे पास फिर कुछ ऑप्शन आए थे साइज़ वगैरह की, अब मैं ऐसे साइज़ छोटा करता हूँ इसका। तो जैसे ही मैंने टेबल की लेयर का साइज़ छोटा किया, आपको दिखाई देगा कि नीचे जो है मेरी न्यूज़पेपर की लेयर डली हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको फोरग्राउंड में रखनी है वो ग्रीन कनेक्शन में जाएगी, और जो बैकग्राउंड में रखनी है वो येलो कनेक्शन में जाएगी, राइट। थोड़ा बहुत आपको ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, लेकिन आप बियर कीजिए इसको, थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको ईजी होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये साइजिंग के लिए इस तरह से ट्रांसफॉर्म नोड लगा सकते हैं। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ये मैं सीधा ही मीडिया वन पकड़ के यहाँ पे मुझे ऑप्शन होनी चाहिए थी, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में होती हैं, उसके लिए भी हमें नोड लगानी पड़ रही है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको टीडियस लग सकती हैं चीज़ें, हर चीज़ के लिए नोड लगानी पड़ती है इसके अंदर, बट उतना ही ज़्यादा आपके पास कंट्रोल आता चला जाता है, ठीक है। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म को कर रहा हूँ डिलीट, तो ट्रांसफॉर्म नोड को मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे वापस से इनको स्वैप करना है और इनको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अगेन ये जो है मेरी अब यहाँ पर बैकग्राउंड आ गई है येलो वाली, तो मैं बैकग्राउंड के अंदर डाल दूंगा इसको। ये देखा मेरे हटाते ही वापस से नॉर्मल हो गई थी, ठीक है। ये पहले ऊपर चली गई थी ना येलो, वो वापस यहाँ पर आ गई थी। अब यहाँ से मैं ये फोरग्राउंड वाली के अंदर इसको डाल दूंगा, तो न्यूज़पेपर ऊपर आ गया हमारा, मीडिया इन मर्ज के साथ मीडिया टू। अब इसके ऊपर हमने क्या करना था कि हमने एक होल बनाया था इसके ऊपर, राइट। तो वो होल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मीडिया इन टू जो है इसके ऊपर एक मैं मास्क बनाऊंगा। मास्क के लिए यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगल इस तरह से आप इलिप्स बना सकते हैं, ये मैं थोड़ा पॉलीगन मास्क बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पॉलीगन आ गया यहाँ पर, इसको जो है मैं कनेक्ट कर देता हूँ मीडिया टू के साथ, और एकदम से जैसे मैंने कनेक्ट किया ये एकदम सब कुछ गायब हो गया, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो चीज़ मास्क के अंदर आएगी वो नज़र आएगी और जो चीज़ मास्क के बाहर है वो नज़र नहीं आएगी। इस टाइम कोई मास्क बना नहीं हुआ इसलिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं पॉलीगन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर तो इसकी यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर मैं इन्वर्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मास्क उल्टा काम करेगा।
अब क्या है, जो चीज़ मास्क के अंदर आएगी वो गायब हो जाएगी और जो बाहर है वो नज़र आएगी। इस टाइम मास्क नहीं बना हुआ तो बाहर की सब चीज़ें ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। अब मैं यहाँ पर मास्क को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर ये होल हो गया, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर के अंदर कट हो गया और नीचे का टेबल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका था यहाँ पर मास्क लगाने का। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसके लिए मैं नोट्स को यहाँ पर बाहर बनाता हूँ फिर लाके कनेक्ट करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ मेरा टेबल का नोट था, अब मुझे न्यूज़पेपर लेके आना है, मैं न्यूज़पेपर यहाँ पर लेके आया। अब मुझे अलग से मर्ज नोट यहाँ बना करके उसके बाद कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली इसके आउटपुट को यहाँ पर ये पॉइंटर जो है इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज नोट यहाँ पर बना देगा, देख रहे हैं आप, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को कि यहाँ पर आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये मर्ज नोड के साथ ही कनेक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं मीडिया इन टू जो ये मेरा न्यूज़पेपर है इसको सिलेक्ट करके, और वैसे अगर आपको रीनेम करना हो तो आप F2 दबा करके नेम चेंज कर सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर इसका नेम रख देता हूँ तो ये मुझे पता रहेगा कि न्यूज़पेपर है ये। यहाँ पर भी मैं F2 प्रेस करता हूँ इसको सिलेक्ट करके, टेबल, ठीक है, और ये मर्ज नोड का मर्ज ही रखते हैं। अब न्यूज़पेपर के नोड को मैंने सिलेक्ट किया, अब मुझे इसके ऊपर मास्क बनाना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर मास्क का बटन दबाता हूँ तो देख रहे हैं ऑटोमेटिकली पॉलीगन मास्क यहाँ पर कनेक्टेड आ गया है। तो जैसे किसी नोड को कनेक्ट होना चाहिए वो उसी तरीके से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर के आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपको देखने में क्लैरिटी चाहिए तो आप यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल भी यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो जैसे ही वो कनेक्ट होगा आपको उतना पोर्शन नज़र आ जाएगा जो मास्क के अंदर है, उसके बाद आप उसे इन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली तो आपको वैसे उल्टा करना चाहिए, इन्वर्ट करके इसको काम करना चाहिए ताकि आपको ऑलरेडी वो चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ये छोटा सा होल बना लिया। अब ये टेबल के ऊपर ये न्यूज़पेपर जो है ये पड़ा हुआ है और ये कट के अंदर से जो है टेबल नीचे का नज़र आ रहा है। तो इतनी चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद हमने क्या किया था, हम पेपर लेके आए थे तो मैं पेपर को यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। अगेन इसको यहाँ पर उठा करके आगे मुझे जोड़ना है तो यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, मर्ज नोड से ये जुड़ जाएगा, पेपर इसके ऊपर आ गया। इसको मुझे थोड़ा सा रोटेट करना है तो उसके ऑप्शन आपको मर्ज नोड में ही मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल साइज ये लिखा हुआ है, मैं छोटा बड़ा इसे कर सकता हूँ, इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ। आप ट्रांसफॉर्म लगा के भी कर सकते हैं अलग से, जो मैंने आपको बताया था, मर्ज नोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्म हमने लगाया था लास्ट टाइम वो हमने टेबल के ऊपर लगाया था क्योंकि टेबल किसी मर्ज नोड से कनेक्टेड नहीं है, टेबल फर्स्ट ही नोड थी हमारी, इसलिए उसका साइज चेंज करने के लिए मैंने ट्रांसफॉर्म नोड लगाया था। उसके बाद अगर मुझे न्यूज़पेपर का साइज चेंज करना हो तो मैं ये जो मर्ज नोड है हमारी इससे चेंज करूँगा, तो न्यूज़पेपर के हमारा पोजीशन, साइज़, ठीक है, रोटेशन वगैरह मैं ये चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो सेकंड मर्ज नोड है वो मेरी इसकी है पेपर की, पेपर का भी मैं नाम रख देता हूँ F2 प्रेस करके, सिंपल पेपर है ये, और इसकी मर्ज नोड से जो है मैं इसकी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, साइज़ वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। सिमिलरली अब पेन वाली लेयर थी मैं इसको लेकर के आता हूँ। आपको पता है क्या करना है, आउटपुट को उठा करके इसकी यहाँ डालना है, मर्ज नोड अपने आप बन जाएगी। इस मर्ज नोड से हम इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, इसको रोटेट करके यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ आप इस तरह से डायरेक्टली भी मूव कर सकते हो, आपने सेलेक्ट की हुई है मर्ज नोड। ये ध्यान रखना कि आप इसको डायरेक्टली पकड़ करके यहाँ पर इसको आपको ऑप्शन नहीं नज़र आएंगे उस चीज़ की, छोटा बड़ा करने की, रोटेशन की, वो आपको मर्ज नोड में जाकर ही नज़र आएंगे। तो मैं इस पे आकर के F2 प्रेस करके इसका भी नाम रख देता हूँ पेन। तो ये चार्ट जो पहले आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था वो आपको अगर आप उसे ध्यान से देखें तो इतना डिफिकल्ट है नहीं। सिंपली टेबल की लेयर, उसके ऊपर मर्ज किया हुआ है न्यूज़पेपर को, उसके ऊपर लगा हुआ है एक पॉलीगन मास्क, आगे मर्ज किया हुआ है पेपर को उसके ऊपर, उसके ऊपर मर्ज किया हुआ है पेन को, और फाइनल आउटपुट जो है वो सारा कुछ इकट्ठा दिखा रही है। तो ये बेसिकली इसे बोलते हैं कॉम्पोजिटिंग, हमने इतनी सारी चीज़ों को कॉम्पोजिट किया है, राइट। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी कॉम्पोजिटिंग होती है, न्यूक में भी होती है, न्यूक नोड बेस्ड है इसकी तरह, फ्यूजन की तरह, और आफ्टर इफेक्ट जो है वो लेयर बेस्ड है। और फ्यूजन कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, फ्यूजन बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। ब्लैक मैजिक ने इसे बाद में परचेज किया था इसके ऊपर काम करने के लिए, पहले आई थिंक आईओन करके कंपनी होती थी उसका था फ्यूजन। तो ये आप देख सकते हैं आपकी, ये ब्लैक मैजिक ने जो है एक्वायर कर लिया था आईओन फ्यूजन, पहले ये सॉफ्टवेयर का नाम था, आईओन कंपनी थी जिसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था और फ्यूजन इनका प्रोडक्ट बन गया था। तो फ्यूजन बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, पहले इसको ज़्यादातर जो है रोटोस्कोपी वगैरह इस पर बहुत की जाती थी, इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड था ये भी। तो अच्छा सॉफ्टवेयर है डेफिनेटली, इसके अंदर बहुत अच्छी कंपोजिटिंग आप कर सकते हैं, न्यूक लेवल का काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 3D वर्कस्पेस होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 3D कैमरा, 3D स्पॉटलाइट, 3D रेंडर, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर 3D रिलेटेड हैं, पार्टिकल्स हैं। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स में जैसे इन चीज़ों के लिए है आपके प्लगइन्स वगैरह आते हैं, इसके अंदर नेटिवली ही ये 3D वर्कस्पेस अवेलेबल होते हैं।
अब ये तो बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होने वाले नोड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, मर्ज तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली नोड है और मास्किंग भी बहुत इस्तेमाल होती है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं टूल बार के अंदर बहुत सारे नोड्स हैं, मान लीजिए आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, टेक्स्ट आपको डालना है तो मैंने ये मर्ज 3 को सिलेक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली नई मर्ज बन के आ गई है और टेक्स्ट यहाँ पर बन के आ गया, राइट। तो ये टेक्स्ट यहाँ पर, अभी टेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, रीज़न भी कुछ लिखा है ही नहीं, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं और इधर पे जो इसकी विंडो बनी है इंस्पेक्टर विंडो में, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेमो टेक्स्ट। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है डेमो टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पर भी दोनों विंडो के अंदर अभी आउटपुट सिलेक्टेड है, अगर मान लीजिए मैं किसी भी विंडो के अंदर सिर्फ जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मैं 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट मेरे यहाँ पर नज़र आ जाएगा और फाइनल आउटपुट मेरी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका कलर मुझे चेंज करना है, मैं कुछ इसका रेड कलर कर देता हूँ, साइज़ बड़ा करना है छोटा करना है सब आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो इस तरह का मैंने टेक्स्ट बना लिया है, थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंट कर लेता हूँ, ये थोड़ा मुझे क्लियर लग रहा है। तो ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पर डाल लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है पूरा वो ब्लर हो जाए, ठीक है, तो मैं ये नोट्स को थोड़ा सा आगे खिसकाता हूँ क्योंकि यहाँ पर इस मर्ज के अंदर हमारी टेक्स्ट आई है, इससे पहले तक का जो भी था मैं चाहता हूँ ब्लर हो जाए। तो मर्ज 3 को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर ये ब्लर का एक नोड है इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे हैं बीच में ब्लर नोड आ गई। अब ब्लर नोड जो है वो मर्ज के साथ नहीं आई है, ब्लर डायरेक्टली लग जाता है। मर्ज के साथ तभी चीज़ें लगती हैं जब कोई चीज़ ऊपर रखनी हो। ब्लर हमको क्या करना है, ब्लर हमको टोटल जो भी दिख रहा है उस सारे को ब्लर कर देना है। तो यहाँ पर ब्लर का जो है साइज़ मैं बड़ा करूँगा तो देख रहे हैं वो ब्लरनेस शुरू हो गई है। तो ये डेमो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा पहले से क्लियर नज़र आ रहा है। कोई भी चीज़ आपको किसी चीज़ के ऊपर रखनी हो, प्लेस करनी हो या अंडर प्लेस करनी हो, तब मर्ज नोड हमारी काम आती है। जैसे हमको पेन पेपर ये सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर प्लेस करनी थी, टेक्स्ट हमने ऊपर प्लेस करना था, बट ब्लर क्या है, ब्लर कोई ऑब्जेक्ट या कोई इस तरह से अलग मीडिया नहीं है जिसको हमने ऊपर प्लेस करना है। हम सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी नीचे इसके अंडर लेंगे, इस नोड के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं सबको ब्लर करने के लिए। तो थोड़ा सा हमने ब्लर कर दिया, अभी भी मुझे लगता है डेमो टेक्स्ट थोड़ा ठीक नज़र नहीं आ रहा। तो ये टेक्स्ट जो है इसके ऊपर मैं शेडो भी डालना चाहता हूँ, ठीक है। शेडो के लिए यहाँ पर कोई भी नोड नहीं आपको नज़र आएगा शेडो का, ठीक है। तो शेडो जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसको डालने के लिए मैं यहाँ पर जो है बाहर क्लिक करता हूँ कहीं पे भी और कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करता हूँ। कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करने से आपका सिलेक्ट टूल की इस तरह विंडो आ जाएगी, उसके अंदर आपके सारे टूल्स यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप किसी पे भी आकर के यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपी मेटा डेटा पे मैंने गलती से क्लिक कर दिया, इसे मैं क्रॉस करता हूँ तो मेरे सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। इधर अगर आप ABCD के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको डी में मिलेगा ड्रॉप शेडो, यहाँ पर हम ड्रॉप कर नीचे आते आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कहाँ गया बहुत सारे टूल हैं डी से भी, ये ड्रॉप शेडो लिखा हुआ आ गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ड्रॉप शेडो यहाँ पर आ गई। अब ये कनेक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ से, तो ये टेक्स्ट के ऊपर मुझे लगानी है तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। अब ये अब ये कनेक्ट हो गई है। जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया आप देख रहे हैं यहाँ पर शेडो बन करके आ गई है। अगर आपको स्क्रीन को बड़ा छोटा करना है तो सिंपली स्क्रॉल करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है ऊपर नीचे स्क्रॉल होगी, अगर कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से बड़ी छोटी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडो मेरी बन करके आ गई है, इसको थोड़ा मैं विंडो को बड़ा कर लेता हूँ और इसका जो है मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है मुझे तो ब्लर थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ी दूर लग रही है इसको मैं पास ले आता हूँ और मैं इसका ब्लर कम कर लेता हूँ, शेडो स्ट्रेंथ कम कर लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल और स्क्रॉल प्रेस करके अभी थोड़ा इसको वापस जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं फिट पे क्लिक करूँगा तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब ये चीज़ मेरे पास ऐसी आ गई है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपना शेडो को कंट्रोल कर पाया। तो ये आपके पास जो यहाँ पर टूल बार के अंदर नोड्स हैं, सिर्फ ये नोड्स नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे नोड्स हैं जो आपकी कंट्रोल स्पेस प्रेस करके इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। और ये जो तरीका था कि बाहर क्लिक करके मैंने इसको लेके आया, एक बार मैं इसे डिलीट करता हूँ, इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आप टेक्स्ट को सीधा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर जो है ड्रॉप शेडो मैंने टाइप किया हुआ था तो ऑलरेडी नज़र आ रहा है, तो लास्ट इफेक्ट मेरा ड्रॉप शेडो लगा था। इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब देख रहे हैं इसको ऐड करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली नोड ट्री के अंदर लगा हुआ गया। तो जब भी आपको कोई चीज़ ऑटोमेटिकली लगानी है, सिंपली आप ऑलरेडी मीडिया की या टेक्स्ट की जो भी लेयर पे आप कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके उसके बाद वो आप नोड अप्लाई करें, वो खुद ही इसके अंदर लग करके आ जाएगी, ठीक है। तो अगेन वही सब चीज़ें आप कर सकते हैं या फिर कुछ और करना हो तो कुछ और कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। इस तरीके से इस टूल बार के अलावा जो नोड्स हैं वो आप कंट्रोल स्पेस से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर इफेक्ट्स लाइब्रेरी में आप जा करके यहाँ पर आपके सारे जो इफेक्ट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी आप इनको उठा करके यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो डेप्थ ब्लर, एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा नोड ट्री हमारा इस तरह से बन करके आया है यहाँ पर इस काम के लिए, जो कि
मैंने सारी नोट्स को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी नज़र आ जाएंगी। आप इनको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, तो पूरे कंपोजिट में कहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, अगर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। इस टाइप से सारा कुछ आपको पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे एक साथ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये नोटरी को आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। अब ये तो एक तरीका था कि मैं एक चीज़ यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ डायरेक्टली फ्यूजन के अंदर बिल्ड करने का। अब मान लीजिए मैं वापस एडिट पेज में जाता हूँ और ये फ्यूजन कॉम्पोजिशन है, इसको कर देता हूँ डिलीट, राइट। सिर्फ एडिट के अंदर मैं पहले एक टेबल लेकर के आया, ठीक है, उसके बाद मैं ये न्यूज़पेपर लेके आया उसके ऊपर, उसके बाद मैं ये पेपर लेके आया और उसके बाद मैं पेन लेके आया। नॉर्मली हम आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में ऐसे काम करते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे हम जाते हैं, यहाँ पर इनका इंस्पेक्टर विंडो मैं खोल लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। पेपर जो है इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। न्यूज़पेपर जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा दूसरे एंगल पे रोटेट कर देते हैं, राइट। और जो वुड है टेबल, इसको हम बड़ा कर देते हैं, पूरा स्क्रीन फिल कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह की हमने चीज़ बना ली है। अब इन सारी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है न्यू फ्यूजन क्लिप की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक नई यहाँ पर देखें फ्यूजन क्लिप वन बन करके आ गई है। इधर ये सिंगल बन गई है, यहाँ पर एडिट के अंदर सारी चार तो थी वो खत्म हो गई और फ्यूजन क्लिप वन बनी हुई है। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी आपको ओपन इन फ्यूजन पेज। चाहे यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली फ्यूजन पेज पर चले जाइए, ये आपकी जो है यहाँ पर खुल जाएगी। और ये ऑलरेडी चारों जो है ऑलरेडी मर्ज लगे हुए इनके ऊपर आए हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन आपकी डायरेक्टली बना देगा, आपको एक एक पे मर्ज नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा काम एडिट की पेज के अंदर करके लाना चाहते हैं, उसके बाद जो भी हमने काम किए थे लाइक ये मीडिया, मैंने यहाँ पे वन प्रेस किया, ये पेपर है, ये न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर है इसका नाम मैं F2 प्रेस करके न्यूज़पेपर कर देता हूँ। और ये न्यूज़पेपर जो है इसको मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे वही लगाना था मास्क, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी अपने आप ये पॉलीगन मास्क बन के आ गया। और इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे जाए। अब मैं यहाँ पर ये होल बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये होल बन गए यहाँ पर और आउटपुट के अंदर आपको नज़र आ रहा है फाइनल। और यहाँ पर वन स्क्रीन जो है उसके ऊपर नज़र आ रहा है न्यूज़पेपर, क्योंकि मैंने वहाँ पर वन पे वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार एडिट पेज के अंदर मैंने इतनी जल्दी इनको रख लिया तो मैं फ्यूजन पेज में क्यों करूं? क्योंकि फ्यूजन पेज में आपको जो है ये करने पे बड़ा कंट्रोल मिलेगा। आप कंट्रोल से मैं क्या कहना चाहता हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा। मान लीजिए मैंने ये जो पॉलीगन मास्क बनाया है इसको मैं थोड़ा यहाँ पर उठा के सेंटर में कर लेता हूँ। अभी ये मेरा नीचे है जो होल है जहाँ पर पेपर था उसके, यही होल मुझे पेपर के ऊपर भी चाहिए मान लीजिए। तो मैं ये पॉलीगन मास्क जो है यही का यही मास्क, इसको मैं जो मेरा पेपर वाली नोट ये थी आई थिंक ये वाली थी, राइट। तो मैं इसी मास्क को जो है उठा करके यहाँ पर मीडिया इन थ्री जो था पेपर था यहाँ पर उस पर भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वही का वही मास्क, सेम पॉलीगन मास्क मैंने यूज़ किया है, दो अलग अलग नोट्स के ऊपर यूज़ कर लिया है, ठीक है। अगर मर्ज से मैं इसको यहाँ पर उठा के आपको घुमा के दिखाता हूँ, देख रहे हैं ये कटआउट इसके हाथ में घूम रहा है। तो ये बेनिफिट है नोट्स का। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते तो आप मास्क एक लेयर पे बनाते, वो मास्क दूसरी लेयर पे लगाने के लिए आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता, तो वहाँ पे वो नया मास्क बन जाता, ठीक है। इस केस में क्या है कि सेम पॉलीगन मास्क जो है वो दोनों पे लग रहा है, तो मैं इसके अंदर बाद में कोई चेंज करता हूँ तो दूसरी पे भी हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं अलग से भी मास्क बना सकता हूँ। टोटल कंट्रोल बेसिकली आपके पास आ जाता है। नोट्स में काम करने का बेस्ट बेनिफिट यही रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका नोट स्ट्रक्चर इस तरह से आपने बनाया हुआ है और आपकी नोट्स इस तरह से आपको लग रहा है कि यार ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है, देखने में सुंदर नहीं लग रहा, तो आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर अरेंज टूल्स हैं, इसमें जाकर के टू ग्रिड पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर आप जब भी इसको मूव करेंगे तो ये ग्रिड के ऊपर स्नैप होगा और फिर आप अपना इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, अपने ग्राफ को। ये देख रहे हैं तो ये देखने में थोड़ा क्लीन इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो ये स्नैप टू ग्रिड बड़ी अच्छी ऑप्शन है, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए मैंने इस पोजीशन पे आकर के यहाँ से मैं अगर बाहर चला जाता हूँ, ये इस तरह से मुझे लगता है मैं जूम इन जूम आउट ज़्यादा हो गया और मुझे मिलेगा नहीं बाद में, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जैसे ये ठीक लग रहा है फ्रेम, यहाँ पर आकर के आप ऐड बुकमार्क पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। तो बुकमार्क वन ऐड, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए मैं जूम आउट कर दिया और ये मेरा स्क्रीन से बाहर भी चला गया,
तो ये देख रहे हैं बाहर जाते ही, एक तो ये दिखा रहा है यहाँ पर कि आपका जो है ये स्क्रीन है और आपका इस तरफ नीचे पड़ा है, तो आप ऐसे ड्रैग करके भी ला सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डायरेक्टली उसी पोजीशन पर पहुँचना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप गो टू बुकमार्क पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कौन सा बुकमार्क और बुकमार्क वन, ठीक है, अगर मल्टीपल बुकमार्क बनाए हैं तो। अगर मल्टीपल नहीं बनाए हैं तो ये नीचे सीधा दिखा ही रहा है, बुकमार्क वन अगर मल्टीपल होंगे तो उनको सबको दिखा देगा। तो इसमें डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, बुकमार्क वन पे आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। तो अगर आप खो जाते हैं, नोट स्ट्रक्चर आपका इधर उधर हो जाता है, तो इस तरह से आप वापस उसको ढूंढ सकते हैं, राइट। तो ये था ओवरव्यू थोड़ा सा फ्यूजन का। आई होप आपको नोट्स कैसे काम करती हैं, टाइमलाइन नोड में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा आप ढंग से समझिए दोबारा, अगली जो वीडियो है उसके अंदर थोड़ा सा हम एक दो चीज़ें एडवांस्ड करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को लगेगा कि फ्यूजन जो है आप सीखना चाहते हैं, तो मैं अलग से भी इसके ऊपर जो है स्टैंड अलोन ट्यूटोरियल्स या मे बी सीरीज में लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो देख करके आपको समझ में आया होगा कि नोट स्ट्रक्चर जैसे कलर पेज में था वैसे फ्यूजन पेज में भी है, थोड़ा सा डिटेल है उससे ज़्यादा। नोट्स को इस्तेमाल करके आप वंडरफुल चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएंगे, 2D ट्रैकिंग, 3D ट्रैकिंग और 3D मॉडल्स वगैरह को कैसे इंपोर्ट करना है फ्यूजन के अंदर, ये हम डिटेल में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो और सीरीज पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक ड्रॉप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़ा दीजिए फॉलोअर हर जगह, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और इस तरह का कंटेंट लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।